सो हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम शॉर्ट ऑफ द वीक 626 का सारे चीज डिटेल में आपको बताने वाले हैं मल्टीप्लेयर के अंदर। गाइज, हम आपको हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, कोई भी एक पॉइंट नहीं बचेगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है गाइज कि वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, आप इस शॉर्ट को भाई एकदम पूरे तरीके से जान जाओगे। तो गाइज, ये शॉर्ट ऑफ द वीक है तो भाई आप क्विस्ट में भी ले सकते हो, लेकिन हम चलेंगे शॉर्ट बुक के अंदर ताकि आपको डिटेल बता सके। तो भाई 606 एक गोल्ड शॉट है, 8 गोल्ड फ्रेगमेंट दे करके इसे आप परचेज कर सकते हैं। 140 मीटर प्लस इसकी रेंज है गाइज, और ये शायद गाइज यहाँ पे एडवांस यानी कि स्पेशल शॉट में देखने को मिल सकता है। तो गाइज, 8 गोल्ड फ्रेगमेंट आप क्विस्ट में जो मिशन होता है उसको कलेक्ट करके कम्प्लीट करके कलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पर हम आते हैं शॉर्ट मैप के अंदर, क्योंकि हमने खरीद ली थी शॉट को, और डायरेक्शन देख सकते हैं 8 o'clock पे आपको ये जो शॉट है ना गाइज वो आपको स्पेशल में देखने को मिलेगा। बस और बस आपको स्पेशल में देखने को मिलेगा डिफेंसिव रेडिकल ब्रूट वायलेंस। हर एक टाइप के बैट्समैन के लिए शॉट अवेलेबल है, क्योंकि गोल्ड शॉट सबके लिए अवेलेबल होते हैं। तो गाइज, ये हो गया यहाँ का डिटेल। अब बात करते हैं किस किस लेंथ को ये शॉट कनेक्ट करता है, एकदम भाई प्रूफ के साथ बताएंगे, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो भाई 110% यॉर्कर पे स्विंग वगैरह कुछ भी हो, सारी बॉलों को यॉर्कर पे कनेक्ट करता है, फुलर लेंथ पे कनेक्ट करता है, गुड लेंथ पे कनेक्ट करता है। ठीक है, चलो प्रूफ दिखाते हैं। देखो, स्ट्रेट बॉल गुड लेंथ पे है, इसको भी कनेक्ट कर लिया है, तो फिर भाई आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद गाइस हम दिखाते हैं कि स्पिनर की, देखो एकदम कैरम बॉल है, फुल स्पीड में है, और देखो कनेक्ट कर लिया है। आपको अर्ली खेलना पड़ेगा, सही पोजीशन करना पड़ेगा, तब कनेक्ट करता है। ठीक है, आगे जो आपके मन में डाउट चला है स्टंप आउट का, वो भी हम क्लियर करेंगे। वहीं गाइज, अगर देखो दूसरा बॉल है, इसको भी हमने प्रॉपर पोजीशन करके कनेक्ट करवा दिया, सारी बॉल को गुड लेंथ पे कनेक्ट करता है स्पिनर की गूगली को छोड़ करके। अब पोजीशन की बात करते हैं, अगर बॉल अंदर आ रही हो तो आपको एक स्टेप की डिस्टेंस रखनी है, एक ही स्टेप की बस, और देख सकते हो यहाँ पे आसानी से इसे खेल दोगे। मेरा थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा था, लेकिन आप एक ही स्टेप का रखना। वहीं बॉल अगर बाहर निकले तो बॉल से एक स्टेप आगे भी जा सकते हैं, या फिर बॉल के लाइन में रह सकते हैं। एक स्टेप आगे जाओगे तो एकदम प्रॉपर कनेक्शन होगा। अगर स्ट्रेट बॉल रहे तो बॉल के लाइन में रहना, फिर शॉट को खेल देना, अच्छे तरीके से कनेक्ट करवा दोगे। ये हो गया इस शॉट की पोजीशन। अब बात करते हैं आखिरकार इस शॉट को आप कैसे प्रॉपर टाइम कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे बॉलर होगा उसी के हिसाब से आपको खेलना है। स्पिनर की बिल्कुल धीमी गति की गेंद को हाफ पीस से थोड़ा सा बॉल आगे चले जाए तब आपको खेलना है। हाफ पीस से बॉल थोड़ी सी आगे जब निकल जाएगी तब आपको बटन प्रेस करनी होगी, स्पेशल वाला छक्का मिल जाएगा यहाँ पे। वहीं गाइस अगर फुल स्पीड में होगी स्पिनर की तो देख सकते हो प्रॉपर हाफ पिच पे जब बॉल चली जाए फिर आपको खेलना, जैसा बॉलर हो उसी के अकॉर्डिंग खेलना। यहीं पे अगर दूसरा और कैरम बॉल खेलना होगा तो अर्ली खेलना पड़ेगा भाई। तो ये आपको मतलब अपने अकॉर्डिंग भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगर वहीं अगर फास्टर बिल्कुल धीमी गति गेंद करता है तो हाफ पिच पर आपको खेलना है। ठीक है, बिल्कुल धीमी गति गेंद करता है, मीडियम फास्ट बॉलर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जिस टाइप का बॉलर है उसके अकॉर्डिंग आपको टाइमिंग करना पड़ेगा, मैं बस आपको टिप्स दे रहा हूँ। ठीक है, वहीं बॉल अगर फुल स्पीड में हो तो हाथ से गेंद जैसे ही थोड़ी सी रिलीज होगी तभी आपको खेल देना, अगर फुल प्रेशर होगा तो भाई बहुत अर्ली खेलना पड़ेगा। ये हो गई भाई टाइमिंग, मैंने सारी चीज़ आपको डिटेल में बता दी, टाइमिंग लेंथ पोजीशन सब चीज़, लेकिन एक चीज़ जो बच गई कि स्टंप आउट होता है कि नहीं, वो आगे हम आपको प्रूफ के साथ क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला बॉल यहाँ पर अपोनेंट मतलब कि सामने वाले बंदे ने डाला है, और गाइस यहाँ पर देखो हमने खेला यहाँ पर गलत पोजीशन, हम जानबूझ के किए थे ताकि स्टंप आउट हो, और यहाँ पे देख सकते हो एम्पायर साहब ने कहा कि नहीं नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, आउट नहीं हो। ठीक है, यहाँ छोड़ दे भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बॉल हमने खेला कि चल भाई इस बार तो हम छक्का मारेंगे, यहाँ पे मिस हुआ थोड़ा सा, और यहाँ पे एम्पायर ने कहा भाई कि ऐसे कैसे बच जाएगा भाई तू ये ले आउट, और यहाँ पर आसानी से आउट दे दिया। तो भाई ये स्टम्प आउट जो है वो एम्पायर के मन का मर्जी है, मन करेगा देगा, नहीं मन करेगा नहीं देगा। ऐसा नहीं था भाई कि पिछली बार मेरा पैर सही जगह पर था, यहाँ पे भाई गलत ही था पहले बार भी और अभी भी। मैं इस शॉट की रेटिंग भाई एक स्टंप आउट की वजह से मैं इसकी रेटिंग 8.5 की दूंगा, अगर स्टंप आउट नहीं रहता तो भाई मैं 9 का देता। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे मेहनत के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर ले ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहे।